आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके माध्यम से हमको ये भी पता चलेगा कि यूपी टेट के जो फॉर्म आने वाले हैं, क्या वो सही समय पर आ पाएंगे या फिर पोस्टपोन्ड होने के कितने आसार हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप हेडलाइंस को देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का टलना तय है। 23 मई को प्रस्तावित है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते हुए के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको एक बार फिर से यहाँ पर टलना तय माना जा रहा है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये न्यूज़पेपर है अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि परीक्षा स्थगित करने के लिए UPHESC जल्द बुला सकता है बैठक। तो गाइज, ये कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई, सहायक अध्यापक की हुई, ये भर्तियाँ जो है वो यूपी टेट से पहले होनी निश्चित थी। यूपी टेट से पहले इनको प्रस्तावित किया गया था कि यूपी टेट के होने से पहले पहले इनको करा लिया जाएगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये भर्ती स्थगित हो रही है, यानी यूपी टेट का स्थगित होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक बार पूरी न्यूज़ देख लेते हैं कि 26 मई को जो परीक्षा टलने की बात की जा रही है वो कब तक होने के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। परीक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा के आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप नहीं दे सका है, यहाँ तक कि अभी परीक्षा केंद्र भी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने के लिए किसी दिन भी बुलाकर UPHESC की बैठक को बुलाकर निर्णय किया जा सकता है कि जो 26 मई को होने वाली परीक्षा है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि समय से, क्योंकि देखिए अभी तक ना तो वहाँ पर आप कह सकते हैं परीक्षा केंद्र भी निर्धारित नहीं हुए हैं, कहाँ परीक्षाएं होगी। तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है एक भर्ती को कराने के लिए, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो वो कुछ भी तैयारी इनकी नहीं हो पाई है। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 25 फरवरी से शुरू हो गई थी। उसी वक्त आयोग ने 26 मई से लिखित परीक्षा की तिथि प्रस्तावित की थी और यहाँ पर 49 सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों और विज्ञापन संख्या के अनुसार 46 के अनुसार विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर एक पद, यानी कुल 2003 पदों पर ये भर्ती है जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें अगर दोस्तों बात करें हिंदी के सर्वाधिक पद शामिल है, तो ये जानकारी आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर दोस्तों अब आप देख लीजिए कि आपकी ये वाली जो एग्ज़ाम है इसको भी पोस्टपोन किया जा रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल संभव है कि आपकी जो है यूपी टेट की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए, और ये 2019 बैच के लिए एक बहुत अच्छी खबर साबित होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं जब इतनी महत्वपूर्ण भर्ती जो है वो पोस्टपोन हो सकती है, तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम जो बात की जा रही है DL-ED थर्ड सेमेस्टर का, वहाँ पर उसके प्रमोट होने के लगातार चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी को लगातार जिसकी भी डेट पास आती है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है आगे तक के लिए। तो ऐसे में आपके प्रमोट होने के बेहद ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी, स्क्रूटनी के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस करिए अभी, क्योंकि स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद आप लोग प्रमोट की या फिर एग्ज़ाम की मांग उठा सकते हैं, जो कि माननीय भी होगी। अभी आपकी स्क्रूटनी रिजल्ट के आने से पहले तक कोई बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर सबसे पहले आपका स्क्रूटनी का और फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका रिजल्ट जारी अभी नहीं हुआ है। इनके रिजल्ट के आने के बाद आपकी आगे की प्रक्रिया निश्चित होगी कि आपको एग्जाम कराना है या फिर आपको प्रमोट करना है। गाइस, सभी तक इस जानकारी को पहुंचाए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।